Pelvaba, pelvaba. नमस्कार जोहार। अभी आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर कटरा के ग्रामवासी व यहाँ जो झगा जोर है, सगुआ है, रिछाई है, ये सभी गांव के ग्रामवासी मेरे पीछे खड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक बड़ी नदी है बेलकुंड के नाम से, जो जाना जाता है कटरा घाट के नाम से, और ये झन्ना पिपरिया से सीधा 8-10 गाँव को जोड़ती है, जिसमें बहुत बड़ी एक बेलकुंड में नदी है। इस नदी में पुल नहीं रहने से यहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के स्कूली बच्चों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए इन ग्रामवासियों से हम बात करते हैं कि इन्हें किस तरह से इस रोड में पुल ना होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस नदी में किस तरह से परेशानी होती है दादा? बेलकुंड नदी आ जाए तो हमारी महिला जो गर्भवती महिला है, जचकी में है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और हमारे जो स्कूल बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, विद्यार्थी, उनको अगर नदी भर जाए तो आने जाने में भारी समस्या है, वो स्कूल नहीं जा पाते और ना वाहन से निकल पाते। और दूसरी समस्या क्या है कि यदि बेलकुंड नहीं बनता तो हमारे जितने गांव हैं, जैसे कि कटरा है, देहरी है, जिर्री है, रिछाई है, खनवारा है, सारंगपुर है, साहडार है, भनरपुर है, तो बाला है, इतने गांव में हमको आने जाने झन्ना पिपरिया रास्ता में भारी समस्या है। इसलिए हमारा सर कहना है कि बेलकुंड के घाट का निर्माण अवश्य होना चाहिए। यदि हमारा बेलकुंड के घाट का निर्माण नहीं हुआ तो हम जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, हम वोटिंग नहीं करेंगे। कोई गोली दवाई लेने आता है तो कहा लौट जाए बेलकुंड से, नदी भर या कस के चले जाए यहाँ से, जचकी भी हो जाता है लड़कों का, बच्चों का, सबका परेशान है। और दरखास्त भी लगा चुके, यहाँ प्रसादी फोड़ लेते हैं, सबका छुकल लेते हैं, कोई डॉक्टर भी नहीं जा रहा है वहाँ, हर चीज के व्यवस्था बिल्कुल गुजर रही है। आदमी मर भी जाती यहाँ से, आदमी बीमार होती था ना, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चल रहा, तो कहाँ से हमें जाए आदमी। रेता निकाल निकाल के गड्ढा कर रहे हैं, हम ही साइकिल निकालने का मुश्किल पड़ा थे, गाड़ी तो गाड़ी जगह गई, वहाँ की साइकिल निकाल कहीं हम ही मुश्किल है, पैदल बिल्कुल। हम यही चाहते कि पुल बनना चाहिए, यहाँ रोड बनना चाहिए, हम कुछ नहीं चाहते, पुल बन जाए अच्छी, हम ही आने जाए के साधन प्रभाव चाहते। हमारे बाल बहु बिटियन के डिलीवरी तक हो जाता है, रोड में हो जाते, अरे वे कोई आने जाने के साधन नहीं है। हम वोट नहीं डालेंगे और वो पोलिंग वाले आएगा तो उसको वापस कर देंगे, पूरी गांव के वापस कर देंगे। हमारे यहाँ जब कोई सुनाई नहीं हो रहा तो हम विधायक से कहाँ तक हम विनती थरहाई करी, 10 गांव पड़ते हैं हमारे यहाँ। नदी में पुल नहीं तो क्या परेशानी होती है आप लोगों को बरसात में? सर ये पुल नहीं बनने के कारण नदी आ जाती है तो जैसे महीनों तक हम नहीं जा पाते स्कूल, महीनों तक हमारी पढ़ाई छूट जाती है। अब कहीं पेपर ही आ गया तो अब रुक गए, उसी के कारण फिर पेपर ही हमारे छूट जाते हैं, इसी कारण से लड़के बहुत फेल होते हैं बस। अच्छा, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो फेल भी हो जाते हैं जी। अच्छा, कितने आपके यहाँ के कितने लड़के जाते हैं झन्ना पिपरिया? हमारे यहाँ के 25-30 लड़के जाते हैं। तो किस महीने में आपको ज़्यादा परेशानी होती है बेटा ये नदी में? जब यहाँ बारिश होती है। बारिश होती है? हाँ। तो बहुत पानी इस नदी में रहता है? बहुत। अच्छा, आप अभी तो यहाँ से निकलना पड़ जाता है। अच्छा, कभी ऐसे कोई समय तो नहीं आया जिससे आप लोगों कोई परेशानी गई हो नदी नकते समय? हाँ, एक बार पेपर थे इसलिए हम आए थे, तो अगर नकने की कोशिश की थी तो एक लड़का बह गया था। फिर वो कैसे बचा था? वहाँ फिर आगे पकड़े थे, 2-3 आदमी थे, तब वो पकड़ के लाए। क्या चाहते हैं आप सरकार से? बस सरकार से ही निवेदन है सर कि यहाँ की जल्दी जल्दी पुल निर्माण हो जाए, बस बच्चों की सुविधा हो जाए, यहाँ से निकलते हैं तो बहुत ही दिक्कत पड़ती है बस। मध्य प्रदेश में इन दोनों विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और बहुत जल्दी ही चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों का ऐलान भी करने वाली है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण बेलकुंड नदी पर पुल निर्माण न होने से प्रशासन व सरकार से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 में शामिल न होने तक की बात भी कर रहे हैं। फिलहाल इन ग्रामवासियों के साथ मैंने बैठक किया है और वीडियो स्क्रीनिंग कर समस्या समाधान हेतु आवेदन तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ढीमलखेड़ा के द्वारा कलेक्टर महोदय कटनी को अवगत कराया गया है, ताकि समय रहते इनकी इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जा सके। आज कहाँ आए थे आप लोग?
अब हम यहाँ आए थे कि बेल निर्माण के लिए कि हमको ये जरूरी है पुल बनवाना, इसके बारे में हम सभी लोग गाँववासी यहाँ जगह पुल नहीं बन रहा तो क्या करेंगे आप लोग? अब पुल नहीं बनेगा तो हम ये इसमें कार्रवाई, हम जो अभी आ रहा है चुनाव उसमें हम शामिल नहीं रहेंगे। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफार्म हैं सभी प्लेटफार्म पर वायरल करें, ताकि यह समस्या सभी जिम्मेदार प्रतिनिधि व सरकार तक पहुंच सके और इन ग्रामवासियों की इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जा सके। मध्य प्रदेश के जिला कटनी विकासखंड ढीमा कृषि में निरंजन कुटिया, इंडिया अनहट के लिए।